अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ये आप फ़ोटो देख सकते हैं कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और कचरा सामने पड़ा हुआ है। कितनी तकलीफ़ की बात है ना, सफाई निस्फ ईमान है लेकिन कचरा हमें हर जगह नज़र आता है। लोगों को ये मुश्किल लगती है लेकिन मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। कोई भी कचरा का बिज़नेस अगर शुरू करता है तो उसका जो ख़र्चा आता है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम पैसों में ये बिज़नेस शुरू हो जाता है। और इसकी ट्रेनिंग जो है हमीद साहब दे रहे हैं, आप इनके पास आके 3 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हैं और 3 महीने के बाद ये इन्हीं के साथ पार्टनरशिप करके जो अच्छे बच्चे, जो अच्छे ग्रेजुएट्स होंगे, आपको सर्टिफिकेट ये देंगे ट्रेनिंग का। उसके बाद जो अच्छे होंगे वो अपना ये बिज़नेस कचरे का शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल फ्री है, कचरा सारे में पड़ा हुआ है, आपने उठाना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको बेचना है। ये सारा प्रोसेस आपको हमीद साहब सिखाएंगे। आप हमीद साहब के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ये इनकी फेसबुक आईडी है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये इनका ट्रेनिंग कोर्स है, इसको कर लीजिए यूट्यूब पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बिज़नेस में क्या किस तरह करना होता है। उसके बाद आप अपने अपने इलाकों में जाइए, हमीद साहब के साथ पार्टनरशिप कीजिए। हमीद साहब का जो वेस्ट इनक्यूबेटर है उसके भी आप पार्टनर रहेंगे, उनकी वेस्ट फाउंडेशन है उसके पार्टनर रहेंगे, तो आप इनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, नया नया इल्म आपके पास आता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि इस अपॉर्चुनिटी को, जो आपके चारों तरफ कचरे की सूरत में पड़ी हुई है, ज़ाया ना करें। अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को रागिब कीजिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इस बिज़नेस से कमाएं। कोई भी बिज़नेस आप जब शुरू करते हैं, चाहे वो ठेले का बिज़नेस क्यों ना हो, छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो जाता है। और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो बड़ा कैसे होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।